हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी इस रूम का टूर जो है GSI कॉलोनी सेक्टर क्यू लखनऊ का। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ का क्वार्टर कैसा होता है, और आप लोग भी मेरे साथ देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेन इंट्रेंस यहाँ का, यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, और यहाँ से हम इंटर करते हैं तो यहीं से सारी कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें कई तरह के क्वार्टर Type 2 और Type 3 करके है, और ये है यहाँ के जो गार्ड बैठते हैं उनके लिए बना हुआ है। और अंदर जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और एक जगह पे दो साइड के रूम बने हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितनी रोड कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा जगह है, बहुत अच्छा है यहाँ का कॉलोनी। मैंने तो पूरा घूमा, बहुत अच्छा लगा, और ग्रीनरी की तो कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हैं, और आप लोग देख सकते हैं, और रास्ता भी गया हुआ है चारों तरफ, और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये थोड़े बालू वगैरह रखे हुए हैं। और इधर देखिए कितनी सारी ग्रीनरी है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, और चिड़ियों की आवाज़ तो भी बहुत आती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, एकदम देखने पे छांव भी रहता है और अच्छा भी लगता है। और कॉलोनी में बहुत सारे घर बने हुए हैं, सब लोग रहते हैं। और मैं इधर चल रही हूँ क्योंकि इधर ही ये फ्लावर का पेड़ है, इधर ही हम लोग का रूम है अंदर, तो चलिए देखते हैं। मेन एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रूम है। रूम में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आता है ये हॉल। ये हॉल के पास ये खिड़की है एक बड़ी सी, और फिर इसके सामने एक बड़ी सी अलमीरा है, ऊपर से नीचे तक आप इसमें सामान रख सकते हैं। और मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ, यहाँ से मैंने एंटर किया और इधर ये इतना पूरा ये हॉल है। और इसके बाद चलते हैं, और ये है सेकंड रूम है, यहाँ पे भी बड़ी सी अलमारी दी गई है, और इधर खिड़की है, इधर से बाहर का व्यू इधर साइड का दिखता है। और अंदर चलते हैं, और यहाँ पर भी एक छोटा सा हॉल टाइप का है, यहाँ पर बैठ के खाना वाना खा सकते हैं, और साथ में यहाँ से व्यू देखने के लिए ये भी खिड़की बनी गई है। और इसके जस्ट सामने ये छोटा सा बेसिन बना हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है। और इसके आगे आते हैं तो ये है किचन, ये किचन है, बहुत बड़ा सा नहीं है बट अच्छा है। इसके पीछे इधर अलमारी दी हुई है सारा सामान रखने को, ऊपर से नीचे तक कई खाने बने हुए हैं, सामान सारा आ जाता है। और इधर सब किचन देख लीजिए, और इसके बाद आता है ये एक और रूम है, ये भी बड़ा सा है, और
बड़ा सा रूम है अपना रहने के लिए, इसको रूम बना सकते हैं। और ये बड़ी सी अलमारी एक और दिख रही है, इसके ऊपर सामान रखने के लिए है। और खिड़की तो इधर भी है, और आपको मैं इधर ले चलती हूँ। ये बाथरूम है और ये लेटरिन है, अलग अलग सेपरेट बना हुआ है। और ये सबसे अच्छा व्यू है यहाँ का, देखते हैं पूरा ग्राउंड बना हुआ है यहाँ का, और बहुत ही अच्छा व्यू लगता है यहाँ से। और मुझे तो यहीं पे रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता रहता है। ये है कॉलोनी पूरी, और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी दीदी ने लगा रखे हैं, क्योंकि मैं आई हूँ अपने दीदी के घर इधर से। हम लोग सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं, तो नीचे वाले जो रहते हैं सब फूल वगैरह लगाए हुए हैं। और ग्रीनरी देख सकते हैं आप, पूरे तरह पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, देख लीजिए। और इधर एक आम का पेड़ था, जहाँ पे हम लोग कल आम तोड़ने गए थे, उधर है उसके बीच में। सो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये क्वार्टर भी पसंद आया होगा, क्योंकि क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे उन्हें रूम मिलता है जिन्होंने जियो फिजिक्स की पढ़ाई की होती है, उन्हें ये निःशुल्क आवास मिलता है। वैसे रूम तो अच्छा है, दो रूम हैं बड़े बड़े, और दो हॉल हैं, बाथरूम है, किचन है, लैट्रिन है, और बालकनी भी है, तो बहुत अच्छा है। फैमिली के हिसाब से 5-6 लोग तो आराम से रह सकते हैं दो दो रूम के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह के वीडियोज मेरे चैनल पर आते रहेंगे। तो तब तक देखिए रहते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।